मदर को किया है, लास्ट कॉल अपनी मदर को किया है, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज अपनी रिपोर्ट में दिया है। वो 3 बजे अपनी माँ को ये बोलते हुए किया है कि माँ मुझे चंडीगढ़ जाना है, मेरी टिकट बना दीजिए। तो इनका अब ये आर्ग्यूमेंट है कि माँ के कारण सुसाइड है, तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। जिस प्रकार आज कोर्ट ने तारीख रखी थी हमारी दलीलों के लिए, सरकारी वकील ने भी अपनी दलील रखी और हमने भी हमारी दलील रखी, तो जस्ट जो हमारा जो आर्ग्यूमेंट था वो आज हमने रेस्ट कर दिया, हमने ख़त्म कर दिया है। उसमें हमने जजमेंट भी, सपोर्टिंग जजमेंट भी दिए। हमारा लेह आर्ग्यूमेंट जो था वो एक ही विषय पे था, दैट इज़ कॉल्ड लास्ट सीन थियरी। लास्ट सीन थियरी का मतलब होता है कि लास्ट जब ये लड़की ने सुसाइड किया उस समय उसके साथ कौन था और किसे देखा गया था, और उसमें सेजान के अलावा और कोई नहीं था। तो इसी बेस पे हमारा पूरा आर्ग्यूमेंट था और आज हमने आर्ग्यू भी किया है। जिस प्रकार से उनके परिवार के जो एलिगेशंस थी कि ये परिवार ऐसा था, इनकी माताजी ऐसी थी, ये थी, उसके ऊपर भी हमने पूरी तरह से आज जवाब दिया है। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है उनकी बड़ी बेटी के कुछ आर्टिकल्स है ऑलरेडी, जहाँ पे उनकी बेटी खुद बोलती है कि मेरी माँ मेरा पैसा यूज़ कर रही है, चीट कर रही है। तो इससे बड़ा एलिगेशन कोई परिवार एक दूसरे के ऊपर नहीं लगा सकता। तो ये सीध होता है कि ये परिवार में कितनी गड़बड़ थी। और जो तुनिशा की माँ का एलिगेशन है कि 2 से 2.5 महीने में उन्होंने 3 लाख रुपए दिए थे, वो 3 लाख रुपए कहाँ गए, उसके ऊपर भी अब इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत आ गई। जब ऐसी एलिगेशन एक बेटी के द्वारा अपनी माँ पे आती है तो इसके लिए भी सिद्ध करना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, अली इज़ वन ऑफ द विटनेस इस केस के अंदर, वो विटनेस है। उसके बारे में आधी जानकारी होने के कारण कुछ मीडिया पत्रकारों ने मिडडे करके कोई कंपनी जिसने कुछ प्रिंट किया, जिसके कारण उनके वकील ने पूरा आर्ग्यूमेंट ही कर दिया। वो मिडडे ने इन्वेस्टिगेशन की है जिसपे उन्होंने आर्ग्यू किया है। तो हमने भी कोर्ट को आज यही बोला है कि मिडडे इन्वेस्टिगेशन करना है क्या। मिडडे ने जो तथ्य छापे उसकी पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। अली एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का विटनेस कभी भी आउट नहीं होता है, स्टेटमेंट के विटनेस सिर्फ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास है। तो अभी अली ने क्या बोला है क्या नहीं बोला वो जज साहब पढ़ेंगे और उस हिसाब से 13 तारीख टिंडर को लेके काफी कुछ अली का बयान पहले ही हो चुका है। सर वो अली ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया है पुलिस को आपके हिसाब पर मेरे देखो अभी उसके हिसाब से तो लवर साबित कर दिया था। हमने तो यही कहा तुनिशा का वो बहुत अच्छा फ्रेंड था और पहले से फ्रेंड था, पर टिंडर पे मुलाकात हुई ऐसे ही भी कुछ अभी आपको मैं बताता हूँ। टिंडर पे बहुत सारे लोग सलमान खान की फोटो यूज करते, तो सबकी उम्मीद ये रहती कि सलमान है क्या, तो ये देखने के लिए, चेक करने के लिए वो अकाउंट को ऑपरेट हुआ था, ऐसा कुछ है उसके अंदर। लास्ट कॉल अपनी मदर को किया है ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज अपनी रिपोर्ट में दिया है। वो 3 बजे अपनी माँ को ये बोलते हुए किया है कि माँ मुझे चंडीगढ़ जाना है, मेरी टिकट बना दीजिए। तो इनका अब ये आर्ग्यूमेंट है कि माँ के कारण सुसाइड है, तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य है।